नमस्कार, मैं हूँ केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 3 बच्चों की जो माँ होती है वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि घर पे सब कुछ छोड़ गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि ना वो अपने प्रेमी की रह पाती है ना ही अपने पति की रह पाती है। और इसकी ज़िंदगी में इस समय सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चारों तरफ चक्कर काट रही है लेकिन कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो घटना है ये अभी हाल ही में परसों की घटना है, ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। कन्नौज में दरअसल एक आदमी है और इसके 3 जो ऑटो, जो छोटा हाथी जो चैम्पियन होता है, 4 व्हीलर लोडर गाड़ी, इसके हस्बैंड के पास 3 गाड़ियां हैं। वो माल की डिलीवरी करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक जिले से दूसरे राज्य में माल लेके जाता रहता है। अब सिचुएशन ये होती है कि हस्बैंड के अकाउंट में पैसे आते हैं, वो अपने जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स लेता है उसके अकाउंट में आते हैं, लेकिन ATM कार्ड या फिर डिटेल्स का जो अकाउंट का एक्सेस है उसने अपनी वाइफ को दे रखा है। और इसी सिलसिले में इस वाइफ ने नियरेस्ट एक जो जनसेवा केंद्र होता है, जहाँ बैंक में ना जाके, ATM में ना जाके, आपने नोटिस किया होगा कि जनसेवा केंद्र पे भी जाके आप पैसा निकाल सकते हैं, उस जनसेवा केंद्र पे जाके इसकी वाइफ बार बार पैसे निकालती थी। और जनसेवा केंद्र का के काउंटर पर जो एजेंट बैठता है उसके साथ ही इसकी वाइफ का लव अफेयर शुरू हो जाता है। और लव अफेयर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इनका पिछले 3 सालों से कि जनसेवा केंद्र का एजेंट इसके रूम पे लगातार आना शुरू कर देता है। ये भी कई बार उसके दुकान पे चली जाती, घंटों घंटा वहाँ पे उसके साथ समय बिताती और इन दोनों का स्ट्रॉन्ग लगातार बढ़ता चला जाता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं और जब मर्जी ये लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को नोटिस करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, ना मालूम कितने लोगों ने नोटिस किया, लेकिन हस्बैंड की इज्जत होने की वजह से, हस्बैंड सीधा साधा था, समझदार था, किसी ने उसको नोटिफाई नहीं किया और इनका रिश्ता पिछले 3 सालों से चल रहा था। अब दोस्तों, इस कहानी में मोड़ कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन क्या होता है, ये जो औरत होती है दोबारा से उस आदमी के पास जाती है पैसा निकालने। जब पैसा निकालने गई थी तो इसके पास सिर्फ जो सबसे छोटा बच्चा है इसका, वो 8 महीने का दुधमुहा बच्चा है। 2 बच्चे बड़े हैं और एक जब सबसे छोटा है वो 8 महीने का है। इस दुधमुहे बच्चे को लेके जाती है अपने घर से, कैश व जो इसके पास गहने होते हैं वो लेके जाती है और वहाँ से प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। सोचिए, हस्बैंड जो है वो जलालपुर में गया है अपना माल की डिलीवरी देने, उसको आने में लगभग 3 दिन का समय लगता, लेकिन इन 3 दिनों के बीच में उसने ये भी नोटिस नहीं किया, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके छोटे छोटे 2 और बच्चे जिनको छोड़ के वो जा रही है, वो घर पे बेचारे क्या खाएंगे। 2 बच्चे यहाँ पे बिलख रहे थे, रो रहे थे और ये जो औरत है ये अपने प्रेमी के साथ अपने 8 महीने के बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। और बाकी जब हस्बैंड ने नोटिस किया बहुत सारी चीज़ों को, तो परसों वो जो वाइफ है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता नहीं चलता है, अपने प्रेमी से बातचीत की होगी, प्रेमी से जब इसकी बात नहीं बनी, प्रेमी ने छोड़ दिया, छोड़ के वो कहीं और अपना विस्थापित हो गया है। लेकिन ये जो औरत जब अपने घर पे वापस आती है परसों, तो हस्बैंड ने इसको अपने पास रखने से मना कर दिया और क्लियरली बोला है कि जिसके साथ गई थी अब तो उसी के साथ जा, मैं तेरे से ना ही कोई संबंध रखने वाला हूँ ना ही मेरा तुमसे आज के बाद कोई मतलब है। अब इन चीज़ों की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, हस्बैंड को थाने बुलाया, लेकिन हस्बैंड ने क्लियरली बोल दिया है कि जब भी मुझे छोड़ के भाग गई थी अब मैं इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। और पुलिस ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया है। अब यह औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई है, मायके वालों के पास गई है, मायके वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया है, आसपास के जितने लोग थे सब ने एक ही बात बोली है कि जब तू अपने हस्बैंड को छोड़ के गई हो तो तुम्हें उसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं है और हस्बैंड के ऊपर है कि वो रखता है कि नहीं। लेकिन हस्बैंड ने क्लियरली बोल दिया है कि मेरी वाइफ से आज के बाद कोई मतलब नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों, आज जब ये औरत 2 दिन पहले लौट के आई है परसों, इसके छोटे छोटे बच्चों ने मतलब क्या नहीं किया। बगल की एक आंटी जी है जिनको तरस आया, जिन्होंने 1.5 दिन बाद इन बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया और जब तक ये औरत वापस नहीं आई तब तक इन बच्चों का ख्याल रखा। हस्बैंड ने अपना काम छोड़ दिया, टेंशन में था, वो गुमशुदगी में इधर उधर घूमता रहा, काश की वाइफ मिल जाए। लेकिन जब वाइफ से निराश हो गया तो अपने घर पे आया और उसने डिसीजन लिया कि अगर वो कभी आती भी है तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, और यही उसने किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि इस पूरी घटना में मेन गलती किसकी है, उस एजेंट की जो कि पराई औरत को लेकर फरार होता है, या फिर इस औरत की जो अपने हस्बैंड अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर से गायब हो जाती है। आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो में, कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।